हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक आप लोग को पता होगा। इसके पहले मैंने वीडियो में थ्योरी कराया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियडिक टेबल आपको पूरा अच्छे से, आई होप कि आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लिए होंगे। नहीं अगर थ्योरी अभी आप किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की दो वीडियो थ्योरी की बनी हुई है, दोनों वीडियो आप पहले थ्योरी अच्छे से जब कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको निकलेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको क्वेश्चन लगाते समय आपको डिप्रेशन नहीं होगा कि मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो कोई चीज़ पहले करने से पहले तो उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी नहीं क्लियर रहेगा तो एमसीक्यू आपको नहीं कर पाएंगे, एमसीक्यू करने पर आपको दिक्कत होगी। तो पहले फर्स्ट पर आपको थ्योरी और सेकेंड पर आपका क्या आता है, सेकेंड पर आता है एमसीक्यू। तो फर्स्ट पर आप एमसीक्यू थ्योरी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू का जो सीरीज है ना, इसमें कौन सी कितनी वीडियो बनेगी, एक वीडियो बनेगी और दो वीडियो बनेगी, तो टोटल आपको दो वीडियो देखने का मिलेगा। तो एक वीडियो आज बना देंगे और सेकेंड वीडियो नेक्स्ट डे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट वाज क्लासिफाइड, सबसे पहले कि एलिमेंट का क्लासिफाइड किस साइंटिस्ट द्वारा किया गया था, तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाथर्मियर, सेकंड न्यूलैंड, फर्स्ट थर्ड मेंडलीफ। तो काफ़ी स्टूडेंट मेंडलीफ लगाएंगे थर्ड ऑप्शन, जो कि गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, डॉब राइनर एक साइंटिस्ट थे, डॉब राइनर साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ये सब थे पीरियडिक टेबल में, तो लॉ ऑफ ट्रायड आप इसको याद कर सकते हैं। डॉब राइनर का एक्सेप्शन था, इन्होंने क्या आयरन, कोबाल्ट, निकिल ये तीन एलिमेंट ये नहीं लिए थे, फ्लोरीन हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकिल हो गया, फ्लोरीन नहीं ये आयरन या फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टेल्यूरिक हेलिक्स जो है वो हेलिक्स वाज गिवन बाय टेल्यूरिक हेलिक्स जो एक थ्योरी थी, तो ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो टेल्यूरिक हेलिक्स एक साइंटिस्ट है डी कांग कार्टवाइस। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करेंगे, जैसे टेल्यूरिक हेलिक्स दिखेगा तैसे आपको इन साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद कर लेनी है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डॉब राइनर ट्रायड, जो डॉब राइनर साहब ने जो ट्रायड लिए थे, थ्री एलिमेंट का एक ट्रायड लेते थे, तो इसमें कौन किस एलिमेंट का यूज नहीं किए थे, तो अभी मैंने बताया था आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो तीन इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ये एलिमेंट नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द डिस्कवरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट गेव ए डेथ बिलो में है टू द न्यूलैंड ला ऑफ ऑक्टेव। अब पहले तो न्यूलैंड ऑक्टेव ला आपको पता होना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, न्यूलैंड जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे उन्होंने गिवन क्या दिया था, ला ऑफ ऑक्टेव एक थ्योरी दिए थे। तो जैसे आपको न्यूलैंड ये दिखे ना, न्यूलैंड ला क्या था, ला ऑफ ऑक्टेव एक थ्योरी थी, तो इन्होंने इनर्ट गैस पे वर्क किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा इनर्ट गैस ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूलैंड साहब को याद करिए, इनर्ट गैस याद करना है, और न्यूलैंड का एक नियम था, क्या इनका एक रूल था, एक थ्योरी दिए थे, क्या थ्योरी का नाम था, थ्योरी का नाम था ला ऑफ ऑक्टेव, LAW ला ऑफ ऑक्टेव, OCTAVES, ये चीज़ याद रखना है। और पीरियडिक टेबल आई होप आप लोग परचेज कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसमें जानते हैं, आप एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, जो लैंथेनाइड एक्टेनाइड होता है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये चीज़ देख लीजिएगा कि इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, जैसे इसका कितना होता है 5d2 6s2, तो इसका पूरा पता होना चाहिए ना, तब ये क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का रट लीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट लाथर्मियर्स प्लॉट बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी है, मैंने अच्छे से थ्योरी में कराया भी था, अगर आप थ्योरी किए होंगे तो ये क्वेश्चन
गलत नहीं करेंगे। लाथर्स मेयर्स का एक ग्राफ था, एक ग्राफ दिए थे लाथर्स मेयर्स ऐसे करके, तो लाथर्स मेयर्स का एक ग्राफ था, तो ये ग्राफ जो था इनका एटॉमिक बैलूम पे था, एटॉमिक बैलूम वर्सेस एटॉमिक वेट पे था, ये पहले तो हो गया। तो ये चीज़ इनका लिख भी दिए थे, क्वेश्चन में लिख दिए हैं, तो इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स को ऑक्यूपाई पीक ऑन द कर्व, सही बात है, टॉप मोस्ट पोजिशन पे, ये जो लाथर्स मेयर्स ग्राफ था ना, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे किसको रखे थे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखे थे एल्कली मेटल्स को, मतलब एकदम ऊपर रखे थे, तो ये चीज़ सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनिगेटिव हैलोजन आइटम ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन। अब ये असेंडिंग पोजीशन पे किसको रखेंगे, असेंडिंग एक होता है, डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग मीन्स ऐसे मान लीजिए ग्राफ है तो ये असेंडिंग पोजीशन हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिसेंडिंग पोजीशन, तो असेंडिंग मीन्स क्या होता है, चढ़ना होता है, और डिसेंडिंग मीन्स नीचे आना होता है, तो असेंडिंग पोजीशन पे इनको हैलोजन रखे थे, हैलोजन ग्रुप को, तो ये भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड देख लीजिए, दिल्ली से ए स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन। अब डिसेंडिंग पोजीशन पे इस पोजीशन पे किसको रखेंगे, रखे थे एल्कलाइन अर्थ मेटल को, तो ये भी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, लाथर्स मेयर्स प्रपोज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे इनका नहीं था, तो यही चीज़ गलत हो जाएगा, एटॉमिक नंबर पे नहीं था, तो लाथर्स मेयर प्रपोज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पे नहीं, एटॉमिक वैल्यूम पे था, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुच इज़ द करेक्ट आर्डर ऑफ द साइंटिस्ट हु गेव पीरियडिक क्लासिफिकेशन। जब पीरियडिक क्लासिफिकेशन हुआ था तो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने, फर्स्ट पे डॉ ब्राइनर साहब ने, सेकंड पे कॉन्कॉर्टोइस साइंटिस्ट, न्यूलैंड थर्ड साइंटिस्ट, और लाथर्स मेयर फोर्थ साइंटिस्ट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इसी आर्डर में आपको याद करना है। ये देखिए, लाथर्स मेयर्स प्लॉट वाज बिटवीन, लाथर्स मेयर्स जो ग्राफ दिया गया था ये किसमें था, एटॉमिक वैल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, अभी मैंने बताया भी था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट करेंगे, इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द प्लॉट बिटवीन एटॉमिक वैल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल वाज मेड बाय, मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे अधिक कंट्रीब्यूट किस साइंटिस्ट का था डेवलप पीरियडिक टेबल के डेवलपमेंट में, बनाने में, तो आप मेंडेलीव लगाएंगे, एवोगाड्रो, कैवेंडिश या डाल्टन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, अब फर्स्ट ऑप्शन आप लगाएंगे मेंडेलीव पीरियडिक टेबल, क्यों, एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मेंडेलीव पीरियडिक टेबल जो इनका पीरियडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था, तो एटॉमिक वेट पे, आप अच्छे से ये जान, यहाँ मेंडेलीव पे लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट लिख सकते हैं, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, हाँ चलिए ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आ भी गया यही क्वेश्चन, मेंडेलीव पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, मेंडेलीव पीरियडिक लॉ किस पे बेस्ड था, तो अब ये क्वेश्चन सिंपल है, सेकंड ऑप्शन देखिए एटॉमिक वेट पे, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द एलिमेंट सिटेड है, मतलब प्रेजेंट है, एज एन एग्जाम्पल टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ मेंडेलीव पीरियडिक लॉ, मेंडेलीव पीरियडिक लॉ में किसके एलिमेंट का एग्जाम्पल लिया गया था, तो उसमें मेंडेलीव पीरियडिक लेवल में गैलियम, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चार एलिमेंट का, बट इन्होंने गैलियम को इक्का एल्युमिनियम में अननोन ये थे ना, तो इसमें गैलियम आप लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एग्जैक्ट याद करके रखिएगा। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे, अब आपको नॉन मेटल जो एलिमेंट होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप क्या होती है, आर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं नॉन मेटल, या फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, फॉर्म कैटायन विथ इलेक्ट्रॉन गेन, या इलेक्ट्रोनिगेटिव शो करते हैं, तो क्या करते हैं, तो ये जान लीजिए जो नॉन मेटल होते हैं ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, अपने आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो ये क्या, निगेटिव आयन, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के शो करने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सिस्टीन का फोर्थ आप याद कर लीजिएगा कि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव शो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा।
दी एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 118 किस में आएगा, तो 118 किस में आता है ये आपको पता होना चाहिए। 118 जब आप जीरो ग्रुप पढ़ेंगे ना, इनर्ट गैस जिसको कहते हैं, तो उसी में आता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 118 को क्या क्या कहते हैं, 118 का नाम होता है यू ओ नाम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अनुकोटियम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड, नोबेल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 18 का, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हुइच पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है किस पीरियड में सबसे अधिक नंबर ऑफ एलिमेंट के होते हैं, किस पीरियड में, पीरियडिक टेबल के किस पीरियड में सबसे अधिक एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, 6 पीरियड में 32 एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे, 6 पीरियड में आपको कितने एलिमेंट देखने को मिलेंगे, 32। थ्योरी में ये सब क्वेश्चन हो गए हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिव नेम गिवन टू द एलिमेंट हुइच आउटर सेल कॉन्फिग्रेशन NH2NP6। NH2NP6 क्या है, नोबेल गैस ही है, एकदम फुलफिल है। तो आपको ये रटा मैंने बताया भी था कि सभी का बताया था कि कितना कितना होता है सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, तो नोबेल गैस ऑप्शन नंबर 4th इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बिलोंग टू, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किस में आते हैं, तो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यस एंड पी ब्लॉक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज एग्जिबिटेड बाई। अब ट्रांजिशन एलिमेंट पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, तो थ्योरी अगर देखे होंगे तो कन्फर्म होगा और आपको भी कन्फर्म होगा तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, फर्स्ट तो यही पता होना चाहिए। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में एक से, ये समझिए, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में पाए जाते हैं। पेनल्टीमेट सेल क्या होती है, पेनल्टीमेट सेल ये होती है डी इलेक्ट्रॉन में n-1d में क्या 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलेनियम एट एटॉमिक नंबर 64। अब यही तो पता होना चाहिए कि गैडोलेनियम, पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि गैडोलेनियम किस में आता है, तो गैडोलेनियम जो है आपका लाइंथेनाइड जब सीरीज पढ़ेंगे तो 64 में गैडोलेनियम आता है। अब गैडोलेनियम 64 होता है तो 4F7 5D1 6H2 होता है, ये होता है, देख लीजिए 4F7 आता है, 4F7 आएगा, फिर 4F7 के बाद 5D1 आएगा, 5D1 के बाद आएगा 6S2 आएगा, ये हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4F7 5D1 6S2। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाता है, तो लैंथेनाइड में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ आपका पीरियडिक टेबल होता है उसमें पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ ग्रुप टोटल 18 ग्रुप होते हैं, अगर पीरियड पूछता तो आप 7 लगाते, 7 पीरियड 18 ग्रुप का आपका पीरियडिक टेबल होता है, तो यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है तो 4th ऑप्शन करेक्ट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट 104 का IUPAC नेम आपको बताना है, तो एक का क्या हो जाता है, अन हो जाता है, 0 का क्या हो जाएगा, अन नील हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, क्वाडियम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में थ्योरी वाले में बताया था मेटलॉइड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मेटलॉइड में एस्टाटीन, टेलूरियम, बिस्मथ,
जर्मेनियम, पोलिनियम, बोरान, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सब होते हैं। तो इसमें आपका एक ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मेटलॉइड ये सब पता होना चाहिए, बताए थे लिक्विड कितने होते हैं, मेटलॉइड कितने होते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट कितने होते हैं, गैसियस एलिमेंट कितने होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ उसमें। तो आप अच्छे से वह सब जब थ्योरी वाला पोर्शन करके आएंगे तो सब क्वेश्चन आसान, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसान लगेंगे, और जो कुछ उसमें कॉन्सेप्ट छूट गया था यहाँ पर हो जाएगा। व्हिच इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें चारों में कौन सा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, आठ होता है, दो माइनस लगा है तो माइनस लगेगा तो आप प्लस कर देंगे तो टोटल दस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फ्लोरीन नाइन होता है और एक माइनस लगा है, इसमें भी दस हो जाएगा। और मैग्नीशियम का बारह होता है, दो पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव लगा है तो बारह में से दो निगेटिव हो जाएगा तो टोटल दस इलेक्ट्रॉन। और अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में ग्यारह इलेक्ट्रॉन, तो यही तो नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं शो कर रहा, सब में दस दस हैं इसमें ग्यारह हैं, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम आपको बताना है किस एलिमेंट का, 1, 2, 0 का, 1 का अन हो जाएगा और 2 का बिन हो जाएगा और 0 का नीलियम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई से क्वेश्चन 100% पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज पूछ रहा है, इसमें से किसका है, तो जिस पे सबसे अधिक चार्ज होगा वो सबसे साइज में सबसे स्मॉल होगा। तो 33 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन, किसी आयन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे अधिक होगा किसी एलिमेंट पे, तो उसकी साइज जो होगी सबसे छोटी होगी। तो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो साइज होगी सबसे स्मॉलेस्ट होगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आप लिख सकते हैं रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम 1 चार्ज, मैग्नीशियम 2 चार्ज, एल्युमिनियम 3 चार्ज, सिलिकॉन 4th चार्ज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दे ऑर्डर ऑफ द आयनिक साइज, तो सबसे अधिक चार्ज सिलिकॉन पे 4 पॉजिटिव चार्ज है तो साइज में सबसे छोटा होगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर आप थर्ड देख लीजिए, यही करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, सिलिकॉन सबसे छोटा साइज, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये तो पीरियाडिक टेबल आपको शो कर दिया गया है कि पीरियाडिक टेबल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन, आयोडीन का साइज आपको बताना है सबसे इसमें सही कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट पे ये देख लीजिए, आयोडीन नेगेटिव वाले को बीच में, इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसी का सबसे बड़ा होगा, आयोडीन नेगेटिव का सबसे छोटा कह रहा है, नहीं। ये देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाइए, आई नेगेटिव, फिर आई पॉजिटिव, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिस्कस करेंगे। जैसे 51 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, डिस्कस करके देख लीजिए, तो 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम वुड गिव्स राइज, अगर हाइड्रोजन आइटम का आप क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। तो इसमें जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन लिख लीजिए, हाइड्रोजन का आयोनाइज करेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जब निकालेंगे तो ये जब करेंगे तो यह पॉजिटिव आपको देगा, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन गैस प्लस क्या देता है, प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, फिर तो यही पूछ रहा है, तो प्रोटॉन देगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब इसमें कह रहा है कौन सा लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, 4A7 का, 3D2 का, या 3P6 का, या 2P6 का। तो 52 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो इसमें 4S1 फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट रो की बात कर रहा है, आर लिस्टेड, फर्स्ट रो का मीन्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाले पीरियड की, विद दियर एटॉमिक नंबर्स, व्हिच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है,
थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो ये देख लीजिए, अब आप इसमें सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए किसका कितना होता है। जैसे इसमें आपका वैनेडियम दे दिया गया, वैनेडियम 23 होता है, तो 23 का कितना होता है, 23 का होता है आपका 3d3 कितना होगा, 3d3 होगा, 3d3 4s2 होगा, 3d3 4s2 होगा। अब इसमें आपका 24 दे दिया क्रोमियम, तो इसमें क्या हो जाता है, 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। अब मैग्नीज दे दिया 3d5 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। तो इसी में से निकालना सबसे मुश्किल होगा, थर्ड मैग्नीज का सही हो जाएगा 3d5 4s2, तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एमंग द फॉलोइंग इज, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पीरियाडिक टेबल की बात करें ना, तो सबसे अधिक क्लोरीन की होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें भी क्लोरीन ही जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2nd, इसमें ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछ रहा है, फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, तो ऑप्शन नंबर 2nd फास्फोरस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फास्फोरस की होगी इन चारों ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, पाउली जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग, पाउली स्केल जो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू के लिए किया जाता है वो प्रेडिक्टिंग किसके लिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की किस वैल्यू के लिए प्रेडिक्ट किया जाता है, पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, पोजीशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सीरीज, या कोऑर्डिनेशन नंबर, या डाइपोल मोमेंट। तो पाउली स्केल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो किया जाता है वो किस लिए, वो पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1st ऑप्शन ही 73 का 1st ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड की पोलरिटी ये पाउली स्केल से शो कर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट व्हिच वन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो 74 का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है, पूरे पीरियाडिक टेबल में अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन की होती है, तो ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सिलिकॉन एंड ब्रोमीन आर, सिलिकॉन और ब्रोमीन का अगर कंपाउंड फार्मूला आपको देखना है तो कौन सा होगा, तो SiBr4 सिलिकॉन जो होता है वो ब्रोमीन Br4 बनाता है, तो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता भी है, तो सिलिकॉन SiBr4, तो 75 का 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एल्युमिनियम और सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन कौन सा फार्मूला बनाएगा, एल्युमिनियम और सल्फर, सिलिकॉन नहीं, तो Al2S6 बनाएगा, Al2S3 बनाएगा, Al2S3 बनाएगा, तो 76 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, तो 2nd देख लीजिए Al2S3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल बेस्ड ऑन, लॉन्ग फॉर्म जो पीरियाडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल को किस नाम से और जानते हैं, इसी पीरियाडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल को बोहर्स टेबल भी कहते हैं, BOHRS बोहर्स, बोहर्स टेबल भी कहते हैं, ये जान लीजिए। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल या बोहर्स टेबल किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो अगर पूछ लेता है कि बोहर्स टेबल किस साइंटिस्ट ने दिया था तो, और ऑप्शन में बोहर्स रहता भी है, तो सब बोहर्स लगा देते हैं, वहीं पे गलत हो जाता है। ये बोहर्स टेबल जो था वो साइंटिस्ट एक थे मोजले साहब ने थे, MOSLEY मोजले साहब ने दिए थे, एकदम रट लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है और गलत भी हो जाता है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आप करेक्ट कौन सा लगाएंगे, 3rd ऑप्शन लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था, और ये अगर पूछता कि किस साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था इसको, तो रैंग वार्नर बोहर उनका पूरा नाम था, रैंग वार्नर बोहर एंड बरी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हैलोजन्स आर, हैलोजन क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, नोवेल एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं? तो हैलोजन क्या होते हैं ये बताइए। हैलोजन आपको मैंने बताया भी है कि हैलोजन जो ग्रुप होता है उसका एक नाम और होता है। तो हैलोजन आर क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब आते हैं इसमें। क्लोरीन, ब्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या हैलोजन फैमिली के हैं, तो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगाएंगे, नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, गलत नहीं करना है ये। हैलोजन्स आर नॉर्मल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, मॉडर्न एक्सटेंडेड पीरियाडिक टेबल वाज गिवन बाय। तो अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न पीरियाडिक लॉ जो था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? बोहर्स ने, मोजले ने, लाथर्समियर ने या नन एलोन? तो फाइव नंबर का क्वेश्चन, बाय रैंग एंड वार्नर, बोहर एंड बरी, तो इसमें तो है नहीं। मॉडर्न एक्सटेंडेड पीरियाडिक टेबल वाज गिवन बाय, तो इसमें ऑप्शन आप लगा सकते हैं, बोहर फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। और अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया ना, ऑप्शन इसमें ये ऑप्शन देना चाहिए था, इसको ऑप्शन रैंग वार्नर, ये पूरा लिखना था, आर ए एन जी रैंग लिखना था, WARNER वार्नर, फिर बोहर BOHR बोहर एंड बरी BURY ये लिखना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न ये हो गया। इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट पोजीशन। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में किसको मतलब फिक्स्ड पोजीशन नहीं दिया गया, डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट पोजीशन, इनर्ट गैस को या इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट को या ट्रांजिशन एलिमेंट को या फ्लोरीन को? तो सिक्स का ये देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट लगाएंगे, इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट को। इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसी को। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को कौन सा ब्लॉक कहते हैं, एफ ब्लॉक को कहते हैं, एकदम ये अच्छे से जान लीजिएगा। काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का दूसरा नाम कौन सा ब्लॉक वाला आता है, तो एफ ब्लॉक वाले। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब इसमें देख लीजिए कौन आपका कौन यस और पी ब्लॉक का कौन नहीं है, वही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का वही होगा। तो आयरन देख लीजिए, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बेरियम, तो ये सब होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे एफ ई, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सिलीनियम 58 इज मेंबर्स ऑफ, ये किसका मेंबर्स होता है, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का या किसका होता है? तो यह ब्लॉक में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे सी ई आपका सीरियम मिलेगा। सी ई का मीन्स होता है सीरियम, एलिमेंट का नाम होता है सी ई आर आई यू एम, सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58 होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा, आपको एफ ब्लॉक में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे, 8 का फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट शोन बाय, इसमें से कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप नहीं शो करता? तो डायगोनल रिलेशनशिप इसमें कार्बन और फास्फोरस जो होते हैं रिलेशनशिप नहीं शो करते, कौन सा ऑप्शन? इसमें कार्बन और फास्फोरस, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, लिथियम, मैग्नीशियम, बोरॉन्स, सिलिकॉन्स, ये मैंने ट्रिक बताया था, बेरिलियम, एल्युमिनियम, कार्बन नहीं बनाता, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट लुकिंग एट द पीरियाडिक टेबल सेलेक्ट द एलिमेंट ऑफ थर्ड ए ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल, एटॉमिक नंबर आर गिवन, थर्ड ए ग्रुप का बताना है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, जैसे फाइव, ये बोरान, पांच बोरान हो जाता है, और थर्ड 13 का एल्युमिनियम आ जाता है, और 21 की बात करेंगे तो 21 किसका होता है, 21 ये 5, 13 ये 21 गलत हो जाएगा, ये आप 31 आएंगे, 31 आता है किसका, गैलियम का आता है, 49 इंडियम का आता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा, थर्ड ए ग्रुप के ये सब हैं, बोरान एल्युमिनियम, बोरा आलू गए इंडिया टहलने, हाँ, तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का,
थर्ड ए ग्रुप का देख लीजिए कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन कितना टफ किया है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। तो जैसे बोरान हो गया, एलुमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, फिर एक थाइलियम आता है, तो ये पता रहेगा। तो फाइव किसका होता है? बोरान का होता है, एलुमिनियम 13 होता है, गैलियम 31 होता है और इंडियम जो होता है 49 होता है। तब आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितने आपका हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मींस आपका पीरियड हो जाएगा, वर्टिकल में ऐसे होता है, हॉरिजेंटल मींस ऐसे होता है। तो हॉरिजेंटल मींस पीरियड हो जाएगा और ऐसे ऐसे ये ग्रुप होता है। तो ये कह रहा है कि कितने आपके क्या हैं, तो 8 हॉरिजेंटल हैं, नहीं 7 हॉरिजेंटल होता है और 18 वर्टिकल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड आप सही करेंगे, 7 हॉरिजेंटल 7 पीरियड और ग्रुप की बात करेंगे तो 18। एकदम अच्छे से देखिए, सब क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। दी ग्रुप नंबर्स, और वीडियो को लाइक पहले कर लें अगर अभी तक आप लाइक ना किए हैं, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन ही देखा करिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं, ये मान लीजिए आप वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड करके देख रहे हैं तो कैसे लाइक करेंगे? तो मेरी वीडियो तो आप लोग प्लीज़ अभी आप लोग ऑनलाइन ही देखा करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो करेंगे, आप लोग आई होप कि आप लोग समझते होंगे और ऑनलाइन ही देख रहे होंगे। नेक्स्ट, द ग्रुप नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इंडिकेट, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 का देख लीजिए। 13 का द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट शो क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिलोंग्स शो करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, द ग्रुप नंबर वही शो करते हैं जिसमें लास्ट में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू द सेम पीरियड, कौन से इसमें सेम पीरियड में आते हैं पीरियाडिक टेबल में, फास्फोरस सिल्कान आता है, मैग्नीशियम बिस्मथ आएंगे या एजी सिल्वर क्लोरीन कैल्शियम जिंक, कौन सा आएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे जब फोर्थ पीरियड आप जाएंगे, फोर्थ पीरियड जिसमें कैल्शियम सिल्कान ये सब हैं, तो ऑप्शन नंबर आप फोर्थ सही हो जाएगा, जहाँ पर आपका कैल्शियम आता है ना, कैल्शियम जब सेकेंड ए ग्रुप का है कैल्शियम, फिर आप जब जिंक की बात करेंगे तब 13 होता है डी ब्लॉक का, तो यही ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव, एल्कली मेटल्स मीन्स फर्स्ट ए ग्रुप, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम में जो होता है, एल्कली मेटल्स पीरियड में क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज होती है, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल या हाइएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो 16 का कौन सा है, एल्कली मेटल्स में जो होते हैं ये लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आप करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स इन द पीरियडिक टेबल। अब ये क्वेश्चन आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि 55 किस पीरियड में, किस ग्रुप में, किस ब्लॉक में आता है, तभी ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो 55 का आप जब जाएंगे ना, फर्स्ट ग्रुप में ही जाएंगे, लिथियम का 3 होता है, लिथियम का सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है, जैसे आप सीजियम में जाएंगे तैसे 55 होता है। तो फर्स्ट एक ग्रुप में ही लगाएंगे, यस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 17 का कौन सा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। All the element in group in the periodic table have the same, एलिमेंट इन ग्रुप में, ग्रुप की बात कर रहा है जो वर्टिकल में होता है उसमें क्या सेम रहता है पीरियाडिक टेबल में, एटॉमिक वेट सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। तो 18 की ऑप्शन नंबर जिसमें जो सभी जितने भी एलिमेंट होते हैं ना ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब क्या शो करेंगे, ये इसमें सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो सेम आता है ना, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, तो इसमें 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन 7, एटॉमिक नंबर ऑफ द थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली में थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का पता होना चाहिए, फर्स्ट पे आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7, फिर फास्फोरस आता है, फास्फोरस का 15 हो जाता है, फिर आर्सेनिक का आता है, आर्सेनिक का 33 होता है, थर्ड वाले का पूछ रहा नाइट्रोजन फैमिली में, तो आप 33 लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इन द पीरियाडिक टेबल द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 16 विल प्लेस्ड इन द ग्रुप, तो 16 किसका होता है इन द पीरियाडिक टेबल में, 16 तो ऑक्सीजन का होता है,
तो ऑक्सीजन किस ग्रुप में रखा गया है, तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे आप 16 का, तो ये पी ब्लॉक में जाएगा। तो पी ब्लॉक में आप कौन सा 14, 13, 16 या 14 तो ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लीजिए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p6 3s1 शो, ये क्या शो कर रहा है? एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन एटम, एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरीन एटम। तो 39 का कौन सा ऑप्शन आप अब ये क्वेश्चन करेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर देखिए सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन एटम का ये दिया गया है। नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। 10 जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यही आएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में कर दिया गया ना, नहीं तो वैसे तो नियॉन का कितना होता है? नियॉन का होता है 2p6 आएगा, 2s1s2 2s2 2p, क्या आएगा 2p, कितना आता है 2s2 2s2 बचेगा 2p6। जैसे नियॉन का 10 निकाल लीजिएगा ना, 1s2 2s2 और 2p6 होता है ये। अब जब इसको एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो 2p6 और 3s1 हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3s1 में चला जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन नाम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो ये चीज़ बताना है। तो आप जब हाइलोजन फैमिली में जाएंगे ना, यही इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे अधिक होते हैं, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आपको दिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए 5 ये हो गया, 3 ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 7th इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। हाइलोजन फैमिली आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता ही है इतना, यानी S2 NP6 NP5, तो इसमें आउटर मोस्ट में 7th इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में, तो ऑप्शन नंबर 1st ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो नोबेल गैस। अब नोबेल गैस का कौन सा एकदम एग्जैक्ट, आप नोबेल गैस का देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें 1st ऑप्शन सही करेंगे। नोबेल गैस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NS2 NP6 होता है, तो ये देखिए 1st ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम आइटम में भी रिटर्न, कैल्शियम का पहले आपको क्या कितना उसका एटॉमिक नंबर होता है यही पता होना चाहिए, तो कैल्शियम का आप 20 होता है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट का है, तो ये देखिए इसमें अब लगाइए ग्रुप का, यानी S2 में जाएगा, S2 में या 3S2 में या 4S2 में या 2S2 में, तो आपको जब कैल्शियम का पीरियड भी पता रहेगा ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 4 पीरियड का होता है ना कैल्शियम, तो 4S2 में जाएगा, तो अब ये ऑप्शन आपके लिए एकदम ये समझिए आसान हो गया। तो 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अब आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, तो 1st ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 4S2 देख लीजिए दिया गया, क्योंकि 4 आएगा, क्योंकि N का नंबर 4 है, क्योंकि इसे किस पीरियड में है, 4 ही पीरियड में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा इसमें शो कर रहा है, अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए हैं, तो 1st ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए नोबेल गैस से ही शो कर रहा है, कंप्लीट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव मीन्स हाइलोजन वाला, 3p5 वाला देखना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 44 का ऑप्शन नंबर 3rd देखिए, 1s2 2s2 2p5, ऑप्शन नंबर फ्लोरीन का ये इतना होता है। ये क्वेश्चन क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियाडिक टेबल में किसका होता है? सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन कितना होता है? फ्लोरीन 9 होता है, तो फ्लोरीन का निकालेंगे तो यही होता है, 2 2 4 5 4 9, तो ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 रिप्रेजेंट, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 3p4 किस में जाएगा? 3p4 में जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो ये जाएगा ऑक्सीजन फैमिली में, तो ऑक्सीजन फैमिली में तो किसका हो जाएगा 45 का, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1st ही करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम कॉपर क्रोमियम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो ये बहुत एक्सेप्शन है, अगर आप कैल्शियम की बात करें, कॉपर और क्रोमियम तो एक्सेप्शन है ना,
कॉपर का 29 होता है और क्रोमियम का 24 होता है, लेकिन इसके फुलफिल होते हैं। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्रोमियम और किसका, कॉपर और क्रोमियम। कॉपर का कितना होता है 29 होता है और क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप कॉपर का करेंगे ना तो 3d10 होता है, 4s1 हो जाता है। कॉपर का 3d10 हो जाता है, 4s1 होता है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। और क्रोमियम की वही चीज़ होता है, 3d इसमें कितना हो जाता है, 3d5 हो जाता है, 4s1 होता है। तो ये चीज़, तो इसमें आप देख लीजिए कैल्शियम का कितना का, ये क्या दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम का 19 होता है। तो इसमें 4 पीरियड का है भी, तो 4s1 हो जाएगा और कॉपर का 3d10 हो जाएगा और क्रोमियम का 3d5 हो जाएगा। तो 46 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, 46 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, किसमें इसमें किसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है, किसका, पाउली एक्सक्लूजन या हुंड या फिर पाउली वाला, आप रूल पढ़े होंगे। तो 47 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए, 1s2 2s2 2p2 3s1 कह रहा है, नहीं यहाँ पे 2p पहले 3 जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2p के पहले 3s नहीं आएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन kr 4d10 4s14 5s2 3p5 4d10 6s2, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, 6s2 जा रहा है। तो आप यह ब्लॉक में इसको ले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर आप जब मिलाएंगे तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह ब्लॉक एलिमेंट का ये शो करेगा। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेंगे ना, 6s2 6 पीरियड में जा रहा, तो 6 पीरियड लेंथेनाइट शुरू हो जाती है वहीं से। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और क्वेश्चन की करेंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पीरियडिक टेबल वाले सब पूरे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं, और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरा की फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आसानी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब तीनों सब्जेक्ट आसानी से आप लोग कर सकते हैं, और 2021 में लक्ष्य बनाइए कि सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।